जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रिगेडर गेमिंग के एक और नई वीडियो में। मैं आज की वीडियो खास आप सभी के लिए लाया हूँ, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बहुत दिनों बाद चैनल पर वीडियो आया गाइस, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार और सपोर्ट के। और धमाकेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आने वाले सभी उन अपडेट्स के बारे में जो आपको अगले अपडेट मतलब दिसंबर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना करके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। सो क्या कुछ नया है आज की वीडियो में, चलिए एक बार नज़र डालते हैं उन सब चीज़ों में। बताता हूँ आपको, आने वाले टाइम में बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं गेम के अंदर। और ये वो कस्टम मैच था जो हम लोग देख रहे थे, क्या क्या नया है, एक पेट, एक कैरेक्टर, एक वेपन के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ एक चीज़ें दिखाऊंगा, उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और आने वाली कुछ एक नई वीडियोज़ में भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। सो इसी सब चीज़ों के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। और गाइज हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आने वाले टाइम में चैनल पर कंटिन्यूस वीडियोस रहेंगी। सो जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट और अपना प्यार शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। सो बात करते हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया एक पेट, एक कैरेक्टर और एक वेपन यहाँ पर आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेट को, फिर कैरेक्टर को नहीं देखेंगे, कैरेक्टर लास्ट में रखते हैं और देखेंगे वेपन को। सो गाइस बात करते हैं पेट की, नया पेट। अरे पेंगुइन बाबा आपकी बात नहीं हो रही, आप थोड़ा साइड में जाइए और बुलाते हैं हमारे माइटी फियरसम बबून को। बबून जो कि बार्ब्यूनियो के नाम से आएगा यहाँ पर फ्री फायर के अंदर। और ये एक ऐसा पेट है जिसका बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन एबिलिटी के मामले में बहुत ज़्यादा खास मुझे इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसकी एबिलिटी है हेल्पिंग हैंड। मतलब कि जब आप के पास ये कैरेक्टर है तो आप अपने कैरेक्टर के साथ इस पेट को इक्विप करके आप ग्रेनेड को दूर तक फेंक सकते हैं। सो यही इसकी एबिलिटी रहेगी। बबून को तो आपने देख लिया, अब चलते हैं वेपन की बात करते हैं। यार मैंने बात किया था एक नए वेपन की, तो ये है वेक्टर गन। ये एक नई सब मशीन गन है जो कि फ्री फायर लेकर आ रहा है OB25 की अपडेट में। और इस गन के साथ ही अगले सीज़न में आप सभी को ये देखने को मिलेगी। और ये SMG गन, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा है ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉबैक ये है कि आप इस गन में सिर्फ 19 बुलेट्स को लोड कर पाएंगे, अनटिल अनलेस करीना इस पर कोई स्किन और ये सब चीज़ें नहीं देता। ये तो हुई आपके बीच में कैरेक्टर और गन्स को मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया, बहुत ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा टाइम को सेव करूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। और चूँकि ये गन एक SMG है तो यहाँ पर ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में बहुत ही हेल्पफुल होगी, लेकिन ये गेम को ट्रिकियर बनाने के लिए अगली अपडेट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगला अपडेट जो है वो है एक कैरेक्टर का अपडेट और इसको लेकर आ रहा है गरीना। यहाँ पर गरीना ने इस कैरेक्टर को यहाँ पर एक लेडी बंडल के तौर पे लेकर आएगा और आप सभी को ये रिचार्ज इवेंट में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कैरेक्टर रॉयल भी आएगा जो लीक्स मुझे अभी तक मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देख रहे हो सेविडोर अवैंग कैडो के नाम से ये कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर के आने के बाद से एक चीज़ तो तय है दोस्तों कि आने वाले समय में आलोक और कैरेक्टर के को यूज़ करने वाले और बाकी सभी लोगों के लिए थोड़ी बहुत मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इस कैरेक्टर की एक एक एबिलिटी, एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैरेक्टर की एबिलिटी को, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये है कि स्नोवेली के नाम से ये कैरेक्टर आएगा और उसकी एबिलिटीज़ क्या होंगी मैं आप सभी को बताता हुआ चलता हूँ। गेम को ट्रिकी भी कैसे बनाएगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो भाई यहाँ पर इसकी एबिलिटी थोड़ी सी अलग है, सबसे हटकर है, सबसे जुदा है ये कैरेक्टर। कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि ये सारी एक्टिव एबिलिटीज़ को सामने वाली टीम के कैंसिल कर देगा। जो स्पेशल पावर है हीलिंग की, जो देख सकते हो आलोक और के ये बंदे रोएंगे, कारण ये है कि ये एक ऐसी एक्टिव स्किल आएगी जो कि सामने वाले ओपोनेंट के अगर आलोक यूज़ कर रहा है तो उसको आलोक यूज़ करने से रोक देगी और काफ़ी लोग इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये एक एक्टिव कैरेक्टर है तो फॉर श्योर जब इसको यूज़ करेंगे तो बाकी एक्टिव स्किल्स को नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये अपडेट था जो कि गेम को काफ़ी ट्रिकी बनाने के लिए था। इन सभी अपडेट्स के साथ आने वाले टाइम में मैंने सर्वर के लिए भी रजिस्टर किया गाइज, अभी तो मुझे सर्वर का एक्सेस नहीं मिला है गरीना के एडवांस सर्वर का। जैसे ही मिलता है मैं आप सभी को अपडेट ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप सभी के बीच में अपडेट्स के साथ सर्वर की डिटेल्स को भी शेयर करूँ। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने का यार टारगेट रखते हैं, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आने वाले टाइम में आप सभी का प्यार और सपोर्ट कैसा रहता है। और ये जो मैच आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये टीम LOC वर्सेस टीम पैरा का था जिसमें दो सपोर्टिव हमारे प्लेयर्स खेले थे, स्पाइडी और सरन। और इसी के साथ वॉरियर 07 बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, जिससे पहले भी कई मैचेस हुए थे। अक्सर मैं बहुत कम इन दिनों आ रहा हूँ ऑनलाइन, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट रखिएगा। अगर आपको वीडियो में
कोई सजेशन देना हो, कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो ला रहा हूँ जिसके में मैं एक्सक्लूसिवली बताऊँगा एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है जिसको गरीना अप्रोच कर रहा है। ये लीक्स अभी बहुत कम रोल आउट हुए हैं और बहुत ही जल्दी अगर कन्फर्मेशन मिलता है तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा और वो एक कैरेक्टर आपको गेम में देखने को मिलेगा। अपकमिंग टाइम में और भी कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि गरीना में आ रहे हैं, जैसे कि शॉर्ट लीक नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कैरेक्टर में दिखाऊंगा वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो समय को रोक देगा और यहाँ से गेम को और टफ और ट्रिकियर बना दिया जाएगा। सो गाइज, ये जो मैच हुआ था ये LOC और पैरा के चैलेंज पर हुआ था और यहाँ पर टीम LOC हार गया था एंड में, बट बहुत ही बेहतरीन प्लेयर LOC यमराज और LOC के गिल्ड लीडर वगैरह खेले, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मैच था जिसका एंड हुआ था कटस्टुआ पे जाकर। और जो भी सजेशंस आप लोग देना चाहते हो प्लीज़ यार फील फ्री टू ड्रॉप इट इन योर कमेंट बॉक्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सभी की कमेंट्स को पढ़कर। और अगर किसी को गरीना फ्री फायर के एडवांस सर्वर के बारे में कुछ एक ज़्यादा डिटेल्स पता है तो प्लीज़ आप लोग वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। आने वाले टाइम में एक नया मिली वेपन है साइथ, साइथ मतलब एक बड़ी सी कुल्हाड़ी टाइप है, नॉट कुल्हाड़ी, साइथ एक अलग से ही होता है जैसे आपने डेथ रिपर मोड में देखा था वो आपको मिलने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें गाइज ऐसी हैं जो गरीना लेकर आ रहा है जो कि एडवांस सर्वर पे अभी बग हंटिंग में चालू है। जैसे ही मुझे अपडेट्स को कंफर्मेशन मिलता है मैं आप सभी के बीच में शेयर करूंगा। इस वीडियो पे मैंने थोड़े से एफर्ट्स लगाए बहुत दिनों बाद, मुझे सारे दोस्त आप सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स का यही सजेशन आता है क्रिकेटर भाई वीडियो बनाइए, क्रिकेटर भाई वीडियो बनाइए। सो फाइनली यार मैंने डिसाइड किया मेरे बिजी शेड्यूल के अंदर से मैं आप लोगों के बीच में आया करूंगा और रेगुलर बेसिस पर कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो इवेंट और चीज़ों के बारे में बताऊं। और ये वीडियो कैसी लगी है, चीज़ें कैसी हैं, थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। बस यही कहूँगा, यही दुआ करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहो, जहाँ भी रहो इन्जॉय करो और बस इन्हीं चीज़ों के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। बस यही कहेंगे आपसे दो लाइनें जाते जाते कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कोरोना बाहर बहुत है गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, मास्क लगाओ, दो गज की दूरी रखो और गरीना फ्री फायर में तो तुम एक दूसरे से जाकर गले भी मिल लो यार, तुम लोगों को कोई कोरोना नहीं होगा। मेरे आसपास की लोकेलिटी में भी कई सारे केसेस आ चुके हैं अभी, यहाँ पर क्वारंटीन तो मैं नहीं हुआ हूँ लेकिन हाँ आइसोलेशन जोन और रेड जोन हो चुका है ये नोएडा के पास। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, सी यू, बाय बाय, जय हिंद। मिलता हूँ मैं आप सभी को एक नई वीडियो में कुछ एक नए अपडेट्स के साथ। और यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट्स अप, जीतने वाली टीम दोबारा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम LOC, बट थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।